हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आज हम बात करेंगे एनएस लाइक्रा फैब्रिक लोअर के बारे में। न्यू बेस्ट डिजाइन जॉर्डन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और परफेक्ट लोअर की लंबाई व चौड़ाई कितनी रखें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एल साइज का लोअर। तो एल साइज़ की जो लेंथ होनी चाहिए वो कंप्लीट 39 इंच होनी चाहिए, जो तैयार हमारे पास 39 आनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसकी जो मोरी होती है वो मोरी 13 इंच तैयार आनी चाहिए, यानी 6.5 इंच। और फ्रेंड्स, जो इसकी जांग होती है वो हमारे पास 24 तैयार आनी चाहिए, यहाँ से 24 एल साइज़ की 24 जांग तैयार आनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो इसका आसन है, ये आसन आना चाहिए 11 इंच तैयार, इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास साइड में कंट्रास्ट डिजाइन है 3 पट्टे का, इसकी चौड़ाई 4 इंच तैयार आनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2-2 इंच का ये पट्टा होता है तीनों पट्टे। और बाटक के निशान से, पॉकेट के मुंह के बाटक के निशान से 7 इंच नीचे हमारे पास ये जॉर्डन का जो डिजाइन है ये अटैच होना चाहिए, और इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, नीचे से एल साइज में 17.5 पर तैयार आना चाहिए, यानी 18.5 पर आप लगाओगे तो 17.5 पर तैयार आ जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो पॉकेट का मुँह है ये 2.5 इंच पर कुटका लगाया जाता है, इसलिए 2 इंच पर तैयार आ जाएगा, यहाँ से 2.5 इंच पर कुटका लगाया जाता है। और पॉकेट का मुँह कंप्लीट 6 इंच तैयार आता है, इस तरीके से। और ये जो लास्टिक बेल्ट है हमारे पास, ये अंडरग्राउंड लास्टिक बेल्ट है, इस तरीके से। इसमें हमें कोई भी ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ओवरलॉक से हमें बेल्ट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरग्राउंड सिंगर मशीन से ही इसको तैयार किया जाता है। और ये जो हमारे पास दोनों साइडों में डिजाइन है, इन पर 3 लोगो जॉर्डन डिजाइन के सेम कंट्रास्ट के साथ लगे हुए हैं। ये हमारे पास जो वाइट वाला डिजाइन है, ये चारों तरफ से इकसार होना चाहिए दोनों साइड में। ये जो 3 पट्टी हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो सेम बराबर रहनी चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि 2-2 इंच चौड़ी तीनों पट्टी काटी जाती हैं, जब ये अटैच हो जाती हैं तो ये तीनों पट्टी बराबर मार्जिन के साथ आनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना वीडियो हमारी आपको कैसी लगी।